नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया था इंडस्ट्रियल सिस्टम इज इक्वल्स टू थ्री थिंग्स, है ना. दैट इज इनपुट, व्हाट यू आर गिविंग द इनपुट, किस तरीके का काम आप कर रहे हो. जैसे आपके इंडस्ट्री मीन्स आप अपना रिजल्ट भी बात कर सकते हो, मतलब आप किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, कैसे प्रोसेस कर रहे हो और कैसा रिजल्ट आएगा, वो सब आपके डिपेंड करता है कितना प्रोसेसिंग आपने, मतलब कितना दिमाग लगाया उस चीज. इनपुट देन प्रोसेस, ठीक है, एंड देन आपका आउटपुट. आउटपुट मीन्स रिजल्ट या प्रॉफिट, व्हाटएवर. समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो आपका ध्यान से सुनिएगा. इंडस्ट्रियल सिस्टम, आपसे ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स. समझ आई मेरी बात? इनपुट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पहली बात तो इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जस्ट लाइक योर कंप्यूटर सिस्टम. मैंने कंप्यूटर में बताया था ना, तीन यूनिट होते हैं आपकी, इनपुट यूनिट, ठीक है, एक आपकी प्रोसेसिंग यूनिट और एक आपकी होती है बेटा आउटपुट यूनिट. ठीक है, उसी तरीके से इनपुट इंक्लूड्स मटीरियल्स, लेबर्स, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, प्रोसेस इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटीरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. प्रोसेस में क्या होगा बेटा इंडस्ट्री में, मतलब पहले रॉ मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फिर उस इंडस्ट्री के अंदर उसको कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, वो आ गया आपका प्रोसेसिंग. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा आउटपुट्स. आउटपुट इज द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट. क्या पैसे में हमें कितना पैसा हमें उसमें अर्न हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज आउटपुट एक्चुअली. समझ आ गया मेरी बात इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में? इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसको. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रीजन्स. व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, दे मेक अ इंडस्ट्रियल रीजन्स. ठीक है, आपने इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में सुना है जहां पर एक जैसी कंपनीज होती हैं. ठीक है, मतलब एक हर एक बड़े शहर में इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, वहां पर जैसे आईटी का उसके लिए होता है. चलो वो सब छोड़ो, समझिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आयरन इंडस्ट्री. ठीक है, तो झारखंड में ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंडस्ट्री होगी. ठीक है, देयर इज अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन अ एरिया इन अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, वो आसपास होंगी. ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, उसे इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं. ठीक है, रीजन कहते हैं, और जगह भी कह सकते हैं हम, कोल वाली भी कह सकते हैं और पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन इन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, एक है आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, कंट्री की अलग अलग होती है और वर्ल्ड में ये है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल्स हैं मेन तो. ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया. देखिए देखो, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है आरएमएस के पेपर में, ध्यान से देखिए इस वाले पॉइंट पर. ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पैराग्राफ इज, यू हैव टू लर्न इट एज इट इज. ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द इंडिया, मुंबई पुणे क्लस्टर. ठीक है, मुंबई पुणे क्लस्टर इट्स अ इंडस्ट्रियल रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, ठीक है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नगर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. समझ आए? इस पर एमसीक्यू पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन पे, इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया. ठीक है, इस पर भी पूछे जाएंगे वर्ल्ड में. हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में वर्ल्ड पर भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है और इंडिया पे भी. ठीक है, समझ आए? फेमस आपके समझ आ गया, नॉर्थ अमेरिका में ये है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप और ये सब चीजें. ठीक है, और ये आपके मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन. ठीक है, दीज आर द रीजन इन्हें हम कह सकते हैं. आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, वैसे तो मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगी थोड़ी देर में, बट स्टिल. ठीक है, चलिए ये याद करके आइएगा, कल आई विल टेक अ टेस्ट ऑन इन दिस डाउट, सॉरी थर्सडे को, सॉरी. ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. ठीक है, आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल आर द ओल्डर इंडस्ट्री व्हाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग इंडस्ट्री. ध्यान से सुनिएगा, आयरन सबसे बड़ी मतलब मेजर इंडस्ट्रीज में आती है, स्टील टेक्सटाइल कपड़े वाली. ठीक है, आपको पता है ये तीन बहुत है,
ये तीन मेजर आपकी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की एज वेल एज इंडिया, पर वर्ल्ड की बात कर रहे तो हम इंक्लूडिंग सबकी, ठीक है। उनमें से आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटा आपकी अभी अभी इमर्जिंग, मतलब अभी लास्ट 20-30 ईयर्स के अंदर इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है। और इंडिया के अंदर कब हुई थी बेटा, जब आपके पीएम थे राजीव गांधी, ठीक है, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्चुअली स्टार्टिंग करवाई थी इन इंडिया, ठीक है। इसी और उन्होंने सबसे पहले जो ज्यादा उन्होंने काम किया था वो आपका आईटी टेक्नोलॉजी पे किया था। अनिका मैसेज करो बेटा, कुछ पूछना है तो 1 मिनट है ना। तो उसको अगर हम आईटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा उन्होंने ही उस पर काम किया था। और आईटी हब ऑफ इंडिया क्या है बेटा, आपका हैदराबाद, ठीक है। चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है बेटा, जो अब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो भी हम लोग अभी जितना भी हम लोग डिजिटल काम कर रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्या बेटा सब्जेक्ट, हाँ जी बोलो अनिका, क्या कहना चाह रहे हो, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब सब्जेक्ट हो सकता है, पर अभी नहीं है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाद में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का, कि ये तीन मेजर इंडस्ट्रीज हैं, चार मतलब आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू है, ठीक है, सब्जेक्ट एकदम करंट टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम डेवलपमेंट हो रही है, डेली डेवलपमेंट हो रही है। हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, आप लोग आधार कार्ड यूज करते हो वो भी डिजिटली इनेबल्ड है, ठीक है, आपकी हर चीज आजकल डिजिटल हो चुकी है, ठीक है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द फेडर इंडस्ट्री, ठीक है, उस प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको फीडर इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे आयरन से, आयरन ओर से, ध्यान से सुनिएगा, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके आयरन मेटल हम लोगों को मिलता है। हमने इसकी एक इंडस्ट्री लगाई, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक इंडस्ट्री पुट ऑन करी, पुट करी, ये था मेरा आयरन ओर, ठीक है। यहां मैंने इसके बीच में लगाई इंडस्ट्री, ठीक है। अब आयरन ओर मतलब इट इज मिक्स्ड विद मेजर काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, उसका मैंने एक्सट्रैक्शन करके इंडस्ट्री, एक पूरी पूरा प्रोसेस है इंडस्ट्री, मतलब उसको मैंने क्या करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके बाद आयरन ओर से मैं आयरन निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आयरन ओर जो है वो रॉ मटेरियल है, व्हाट इज दिस रॉ मटेरियल, ठीक है, इसको मैंने प्रोसेस किया बाय द इंडस्ट्री, ठीक है, मुझे क्या मिला बेटा आउटपुट में, आयरन मिला, समझ आई मेरी बात। अब एक बात बताओ, अब आपने कभी ट्रैक्टर सुना है, ट्रैक्टर ट्रैक्टर्स होते हैं, आपने ऑटोमोबाइल सुने हुए हैं, कार है, बीएमडब्ल्यू है, सुने होंगे ना, कार के नेम तो सुने होंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये जो प्रोडक्ट था आयरन, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट था, ठीक है, बट आयरन को हम दूसरी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल मैं बस की इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बस बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो वहां पर जो आयरन है वो एज अ क्या यूज होगा बेटा, रॉ मटेरियल। बात समझ पा रहे हो मेरी बात, वो किसकी तरह यूज हो रहा है, इनपुट की तरह, ठीक है। फिर से मैं उसको मशीनरी और प्रोसेसेस करके, प्रोसेस मतलब इंडस्ट्री, पूरे एक मशीन, पूरी मशीन के प्रोसेस जो मैं ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, उसको शेप देंगे, उसको मेल्ट करेंगे, बड़े वो जो भी करेंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, बस, ठीक है। और आयरन कहाँ यूज होता है, अगर हम बात करें रेलवेज में, ठीक है, ट्रेन के कोचेस बनाने में, तो वहां पर हम आयरन यूज कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्री को यूज करके फिर हम रेलवे कोचेस बना रहे हैं, समझ आ रहा है मेरी बात। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, स्टील के भी आपको पता है, स्टील हमें मिल गई, चलो हमने स्टील निकाल लिया, स्टील के बाद हम स्टील के बर्तन बना रहे हैं, यूटेंसिल्स आपने घर में देखे होंगे, स्टील के कैंस बन रहे हैं, डब्बे बन रहे हैं, स्टील के हमारे पास क्या क्या चीजें नहीं है, अब ये एरोप्लेन के पार्ट में लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, दीज आर द फेडर इंडस्ट्रीज, ये आपको फर्दर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें क्या देते हैं बेटा, फर्दर इंडस्ट्रीज का काम करवाते हैं। बात समझ आ गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फेडर इंडस्ट्री, बिकॉज दीज इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, ठीक
ठीक है। इनपुट्स फॉर दिस इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, अलोंग विद लेबर कैपिटल साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेज। ठीक है, आयरन ओर को स्टील में चेंज करना, ठीक है, एक तो आप लोगों को साइंस पढ़ी हुई है, आप लोगों को पता है ना आयरन क्या है, स्टील क्या है, सबको पता है ना आयरन इज ए मेटल और स्टील क्या है, अलॉय, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने साइंस में ये चीज। ठीक है, कैसे बनता है आयरन, क्योंकि आयरन में आयरन की एक हैबिट होती है टू कोरोड, मतलब आयरन में कोरोजन, समझ आ रहा है मेरी बात, आयरन को अगर आप बाहर रख देते हो तो उस पर जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, पर अगर आयरन के अंदर हम लोग कार्बन मिक्स कर देते हैं, कार्बन की फिलिंग कर देते हैं या कार्बन या कुछ भी एडिशनल डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है, तो उसे कह देते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टील में कभी भी क्या नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आयरन से स्टील बनाना, ठीक है, वो बहुत सारे स्टेजेस को जो है इन्वॉल्व करता है, और स्टील जो है वो आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, इस आउटपुट स्टील को अगर लोग हम लोग आगे जो है यूटेंसिल्स में यूज कर रहे हैं, तब भी हम इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं, तो वो एक अलग इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है हाउ द आयरन ओर इज कन्वर्टेड इनटू स्टील, एक एग्जांपल दिया हुआ है, द रॉ मटेरियल्स पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस, क्या आयरन ओर को डाला गया, वेयर इट अंडरगोस मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर। ठीक है, देन इट इज रिफाइंड, उसको फिर रिफाइन किया जाता है, रिफाइंड। ठीक है, देन द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड इन यूज्ड बाय द अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि ये सोशल साइंस का टॉपिक है, इसमें से इतना ही बताया हुआ है, अगर हम इसे साइंस में समझा रहे होते तो मैं आपको स्पेसेस बताती कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं उसके अंदर कार्बन को जो है फिट कर दिया जाता है, जहां पर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं वहां पर कार्बन को फिक्स करते ही वहां पर उसके पास आयरन के पास फर्दर ऑक्सीडेशन का काम नहीं होता, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ही नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। ठीक है, देन आयरन एंड स्टील, स्टील इज ऑफन कॉल्ड एज अ बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है विच मेटल इज कॉल्ड एज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, डेली यूज टिल्स शिप टूल्स शिप ट्रेन ट्रक्स ऑटोज आर मेड ऑफ लार्जली ऑफ आयरन और स्टील। आयरन को रिप्लेस किया है किसने, स्टील ने, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयरन में कोरोजन होता है, आयरन को बार बार पेंट करना पड़ता है, आयरन को ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती है, पर स्टील इस चपसी से क्या है बेटा, अलग है। हाँ जी जाओ बेटा साइन। ठीक है, फीचर्स ऑफ स्टील, स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजिली शेप्ड कट और मेड इन टू वायर, स्पेशल अलॉय्स ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम निकल एंड कॉपर। ठीक है, स्टील से भी फर्दर अगर हम चाहें तो और अलॉयज भी बना सकते हैं, जैसे आपके एल्यूमिनियम है, निकल है, ठीक है, कॉपर है। अलॉयज गिव्स द स्टील अनयूजुअल हार्डनेस टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्टिंग रस्ट। ठीक है, रस्ट को बचाने का मतलब रस्ट से बचने के लिए, अब सीधी सी बात है, आप भी घर में आयरन के वेसल ना, आयरन के यूटेंसिल्स ना लाकर क्या, कौन से लाओगे बेटा, ऑब्वियसली सी बात है स्टील लाओगे। ठीक है, क्यों लाओगे भाई, क्योंकि आपको पता ही है थोड़े दिनों बाद खराब हो जाएंगे, इससे बेटर कि हम स्टील लेके आए, स्टेनलेस स्टील लेके आए, वो ज्यादा बेटर है। आप अपने ऑटोमोबाइल लेके आओगे कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑटो लेके आते हो तो आयरन का नहीं लेके आप स्टील का लेके आओगे, ज्यादा पैसा दे दोगे थोड़ा सा, क्योंकि भाई आपको वहां उसको भी मेंटेनेंस में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर टाइमलाइन ऑफ आयरन, ये जरूरत नहीं है, ये आपके टॉपिक में नहीं है एक्चुअली, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके आना है आपको पहली बार तो ये। ठीक है, लोकेशन ऑफ आयरन इंडस्ट्री इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, भिलाई छत्तीसगढ़, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बर्नपुर वेस्ट बंगाल, ये आप लिख लेना यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आपको इनके स्टेट जरूर याद रखनी है। ठीक है ऑल ऑफ यू, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो, जमशेदपुर, ये दोनों भी क्या है, छत्तीसगढ़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, चार सेंटर है, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, बोकारो एंड जमशेदपुर। आप देखोगे मैंने पहले ही बताया छत्तीसगढ़, आपका झारखंड और एक वेस्ट बंगाल, यही आपके आयरन, स्टील,
और आपके साथ के साथ कोल्ड, ठीक है। अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो इन चीज को ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रही हूँ। ये तीन स्टेट्स को याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड आपका उड़ीसा एंड एक छत्तीसगढ़, चार स्टेट, इन्हीं में ज्यादा मिनरल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड सलेम इन तमिलनाडु। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।